हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपास किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल गोविंदा सुदामा लड्डू। आज की लड्डू की रेसिपी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के लड्डू एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनेंगे, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। तो चलिए ये बढ़िया सी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आप गैस पर रख देंगे एक पैन और उसमें डालेंगे एक कप पोहा। फ्रेंड्स, ये वही पोहा है जो हम ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। अब हमें लो फ्लेम पर पोहा ड्राई रोस्ट करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ अच्छे से पोहा क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सेम पैन में अब हम डाल देंगे हाफ कप इतना मूंगफली के दाने और इन्हें भी लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ दाने भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब वही पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी और डाल देंगे 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम और इन्हें भी हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाएगा। काजू और बादाम को भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम पैन में डालेंगे हाफ कप इतना ड्राई ग्रेटेड कोकोनट, इसे भी हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, कोकोनट का भी कच्चापन निकल गया है, इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यह हमारा पोहा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डाल देंगे भुना हुआ पोहा और इसे हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, यह हमने जितना हो सके उतना बारीक पोहा पीस लिया है, लेकिन ये थोड़ा सूजी की तरह ही रहता है और हमें इसी प्रकार का पोहा चाहिए। अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें निकालेंगे बारीक पिसा हुआ पोहा। फिर सेम ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। यहाँ में दाने के छिलके नहीं निकालूंगी। अब हम डाल देंगे काजू और बादाम और इन्हें भी हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने सारी चीजों की अच्छे से पाउडर बना ली है, लेकिन हमने यहाँ पर फाइन पाउडर नहीं की है। अब सेम जार में हम डाल देंगे 1/3 कप चना। तो यहाँ मैंने चने के सारे छिलके निकाल दिए हैं। ये पहले से भुना होता है, इसलिए मैंने इसे दोबारा नहीं भुना है। इसकी भी हम अच्छे से पाउडर बनाएंगे और बाउल में डाल देंगे। अब हम डाल देंगे सूखा नारियल, या हमें इसे बारीक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम डाल देंगे 1 कप इतना गुड़। अब सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। गुड़ की मात्रा आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम लड्डू का स्वाद और भी अच्छा आने के लिए डाल देंगे इलायची और जायफल पाउडर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें ये सारा मिश्रण 2 बैचेस में अच्छे से पीस लेंगे, जिससे कि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने 1 बैच अच्छे से पीस ली है, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे एक बाउल में। इसी प्रकार में
दूसरी बैच भी अच्छे से पीस लूंगी। यह हमारी दूसरी बैच भी अच्छे से पीसकर हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। एक बार सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बनाएंगे गोविंदा सुदामा लड्डू। फ्रेंड, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स कर जरूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने एक लड्डू बना लिया है और उसे बादाम का एक पीस भी लगा दिया है। इसी प्रकार हम सारे लड्डू बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी रेसिपीज को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करते रहिए। इसी प्रकार हम सारे लड्डू बना लेंगे और रेसिपी अच्छी लगने पर एक लाइक जरूर करिए। तो आप भी इस जन्माष्टमी के दिन ये बढ़िया से लड्डू बनाइए और अपने लड्डू गोपाल को खुश करिए। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए फ्रेंड, लग रहे ना एकदम बढ़िया से? मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। कितना सॉफ्ट और टेक्सचर भी देखिए, कितने बढ़िया से हमारे लड्डू को आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।